हाँ तू आखिरकार मरेगा एंटेलो, नहीं तू मरेगा। पता है ना मेरे को ऐसे तुम जैसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हो। वाटर मैनिपुलेशन, वाटर ब्लोन। डोंट डेयर टू टच माय ब्रदर। वाटर, तू मुझे यहां पर मारने आया है क्या? नहीं, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तो यहां पर तुझे बचाने आया हूँ। एंड्री, अब ये कौन है और केन कहाँ पर है? रुक जाओ, ये मेरा वो, ये वही बंदा है। रुक जा ढूंढ, ये वही बंदा है जिसने क्या बोलते हैं मेरी इतनी बुरी हालत की थी। अच्छा तो तू वही है, आ जा मैं तुझे मारता हूँ, मेरे दोस्त की हालत करेगा। रुक जा ढूंढ, क्या हुआ? ये एक अच्छा इंसान है। क्या अच्छा इंसान है, पागल हो गया क्या तू एंड्री? इसने तुझे मारने की कोशिश की थी, अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? ये मुझे अपना भाई कंसीडर करता है क्या? सच में उल्लू? मेरा नाम उल्लू नहीं, और हाँ, और भाई इसको चुप करवा ले। खैर छोड़ो, तू यहाँ पर वैसे वापस क्यों आया और तू हमारी मदद क्यों कर रहा है? तो असल में बात ये है कि मैं जब तुझे हरा कर वापस जा रहा था पायरों के पास, तो मुझे पता चला कि क्या बोलते हैं, एक्चुअली में मुझे पता चला कि पायो, जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो मैंने देखा कि पायलो तो बात कर रहा था साइंटो से, तो मैंने वहाँ पर छुपकर उनकी बातें सुनी, और उनकी बातें सुनकर मेरे को इतना शौक लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक्चुअली में क्या बोल वो मतलब वो लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने मुझे उल्लू बनाया है, और एक्चुअली में क्या उन्होंने मुझे उल्लू बनाया और एक्चुअली में वो लोग ईवल हैं। क्या सच में? इसका मतलब उन्होंने तेरा ब्रेन वॉश किया? हाँ सही बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसके वजह से मुझे गुस्सा आया, तो मैंने अपनी वाटर लेज़र का यूज़ किया, और वाटर लेज़र इतनी ख़तरनाक थी कि उसने साइंटो को बीच में से काट दिया, लेकिन पायरो बच गया उससे, और पायरो कहीं तो भाग गया। अब पर और जैसे ही पायरो ने जंप किया और जैसे ही पायरो ने जंप किया, बूम, वो गायब हो गया। पक्का वो रैंप सिटी के बैरियर के बाहर चला गया होगा। क्या मतलब डूड, तुझे याद नहीं है जब हम लोग रैंप सिटी के अंदर आए थे, तब पायरो ने एक बैरियर की अनाउंसमेंट की थी कि रैंप सिटी आसपास एक बैरियर लग चुका है और इस बैरियर से हम लोग बाहर नहीं जा सकते? हाँ शायद से वही बैरियर, उसी बैरियर के बारे में मुझसे बात कर रहा था, और उसने ये बोला था कि जब तक इस पूरी रैम्पेज सिटी के सारे हीरोज मर नहीं जाते तब तक वो बैरियर को खोलेगा नहीं, लेकिन शायद से मुझे लगता है कि उसने बैरियर को खोल दिया। तुम्हें क्या लगा मुझे इतना छोटा सा डैमेज करके मुझे इतनी देर तक गप्पे लगा लोगे? एंड्रयू, वाटर मैनिपुलेशन। वाटर, तुझे पता है ना तो मेरे ऊपर भी वो पानी मार रहा है। ओ सॉरी एंड्रयू, अब ठीक है। तुम्हें पता है तुम लोगों को ईवल बनाना भी बेकार है, तुम लोग मेरे बॉस के किसी काम नहीं आओगे। बॉस पायरो के, उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया हुआ है। एक मिनट, तेरी तू, अच्छा तू तो वाटर हो है ना, तो तूने बॉस को बिट्रे कर दिया। वैसे तुझसे यही उम्मीद थी, तेरी शक्ल देख के स्टार्टिंग से यही लग रहा था तू बिट्रे करेगा हमें, और तूने किया। ये निशानी होती है कायरों की, क्योंकि तुझे पता था कि एट द एंड क्योंकि तुझे भनक लग गई थी, क्या बोलते हैं वो,
क्योंकि तुझे भड़क लग गई थी कि हमारा प्लान ईवर है, हमने तेरा ब्रेन वॉश किया है। वैसे अगर तुझे पता लगने के बाद भी तू क्या बोलते हैं हमारी टीम नहीं छोड़ता ना, तो अच्छा होता, क्योंकि हमेशा बुराई की जीत होती है। तुम्हारे ये आइडियल्स बिल्कुल गलत है क्या? अच्छा बच्चे, तू रोकेगा मुझे, आ जा बच्चे। सबसे पहले मैं अपने भाई को साइड करूंगा। उसने मुझे भाई कहा, बड़े भाई का फर्जी है। और दूसरी बात, तेरे को किसने बोल दिया कि हमेशा बुराई जीतती है, हमेशा अच्छाई जीतती है? तेरे ये आइडियल्स गलत हैं। मेरे सब दोस्तों के हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी अभी तक इस पूरे के पूरी सिटी बुरी बुरी फाइट में दी, उनकी कुर्बानियों के लिए। ये लेच पावर पांच। एंड्रयू तू कर सकता है, नहीं मेरे से दूर हो जा, एंड्रयू तू कर सकता है ये, और मेरे से दूर हो जा बच्चे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वाटर मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन बंद कर, उससे डूड को तकलीफ हो रही है। नहीं, मेरा मुंह पानी के बाहर है, इसको तकलीफ होनी चाहिए। रैम्पेज सिटी के बाहर का सीन। बॉस, आपने बोला था मेरे को बाहर आने रैम्पेज सिटी के, और बस मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, ओवर एंड आउट। तो यही तक था गार्डियंस ऑफ द अर्थ सीजन 3 एपिसोड 10। आशा करते हैं आपको पसंद आए।